सुंदरा जंगल में एक मृत शव मिलता है। डिटेक्टिव क्रिश मृत शव की जांच के लिए अपराध स्थल पर पहुंचे। मृत शरीर पर या उसके पास कोई भी चुकता सबूत नहीं मिला। कुछ फिंगरप्रिंट के निशान पीड़ित की गर्दन पर पाए गए। मेहुल ने जंगल की तलाशी ली और चार संदिग्धों को पाया। कंकाल ने कहा, मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? मैंने तो भूख महसूस नहीं कर सकता हूं और ना ही प्यास। मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद बिजुका ने कहा, मेरा तो एकमात्र काम है कौवा को डराना। मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद मम्मी ने कहा, मेरे पास मनुष्यों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं अपने पिरामिड में शांति से रहता हूं। मैंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद जोंबी ने कहा, मैंने कल एक शानदार भोजन किया था। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों, इन चारों के बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? जिसको उत्तर पता है वो नीचे कमेंट करो। तो सही उत्तर है जोंबी। दोस्तों, इन चार संदिग्धों में से केवल जोंबी में एक फिंगरप्रिंट है, तो वह हत्यारा है। यह पहेली इतना ही था, तो चलो दोस्तों और एक पहेली शुरू करते हैं। किसी ने एक राजा अमरेंद्र देव के महल से एक कीमती पत्थर को लूट लिया था। राजा अमरेंद्र देव की सेना चार संदिग्धों को पकड़ते हैं और उन्हें महल में लाते हैं। इन चारों ने निर्दोष होने का दावा करते हैं। राजा अमरेंद्र देव ने चोर की पहचान करने के लिए एक समाधान मन में सोचते हैं। उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध को एक छड़ी दी और कहा, मेरे पास यह जादू की छड़ी है। यह छड़ी तुम में से जो कोई चोर है उसके घर पर 2 इंच लंबी हो जाएगी। कीमती पत्थर को चुराने वाला व्यक्ति के घर में बड़ी छड़ी हो जाएगी। चार संदिग्धों ने अपने साथ छड़ी लेते हैं और अपने घर में जाते हैं। और अगले दिन चार संदिग्धों अपनी छड़ी के साथ राजा के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते हुए राजा समझ जाते हैं कि असली चोर कौन है। दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है?
जिसको उत्तर पता है वो नीचे कमेंट करें। तो सही उत्तर है डी। दोस्तों, चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच बढ़ेगी, इसलिए उसने छड़ी को 2 इंच तक काट दिया और महल में लौट आया। आज के लिए इतना ही था मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में।